राजस्थान में 2023 के अंत में यानी इसी साल के अंतिम महीने दिसंबर में विधानसभा के चुनाव हैं और उसकी जद्दोजहद में राजनीतिक पार्टियां अपने घोड़े उतारने के लिए पूरी कोशिशों में जुटी हैं। चुनाव में राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा, इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हम जानते हैं विधानसभा क्षेत्र को क्या है चुनावी रणक्षेत्र। तो इस रणक्षेत्र कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान की एक नंबर विधानसभा सीट यानी कि जो पंजाब और पाकिस्तान की सीमाओं के पास है। जी हां, आपने सही सुना, यह सीट है शादुल शहर, जहां से सीट सामान्य है लेकिन यहां चुनावी लड़ाई कभी सामान्य नहीं रही। लोगों में यहां राजनीतिक समझ गजब की है और इस विधानसभा की सीमाओं से गंगानगर, करणपुर, संगरिया, पीलीबंगा और हनुमानगढ़ की विधानसभा लगती है। ऐसे में ये वोट यहाँ सीधे तौर पे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करते हैं। ये सीट 2008 में ही बनी है, इससे पहले संगरिया समेत आसपास की विधानसभा से कुछ इलाके लिए गए। फिलहाल ये सीट कांग्रेस के कब्जे में है और अभी यहाँ राजनीतिक रूप से आम आदमी पार्टी खासी सक्रिय हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की सक्रियता और साथ ही हनुमान बेनीवाल की इस इलाके में सक्रियता कुछ नया एक गठजोड़ दिखा सकती है। वैसे तो ये एक नंबर असेंबली है और बीते तीन चुनावों पर अगर हम नजर डालें तो यहाँ जिस पार्टी का विधायक जीतता है उसी की सरकार बनती है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि इस सीट का मूड क्या कहता है, इस क्षेत्र के मतदाता वोटिंग टर्नआउट पे कैसे बिहेवियरल इलेक्ट्रोल सेटअप को समझाते हैं, किस तरह से परिणामों में इन चीजों को दिखाते हैं कि क्या है खास करके शादुल शहर विधानसभा सीट में। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं थिंक 360। पहले गंगानगर जिले में 5 ही विधानसभा सीटें थी। हालांकि पहली विधानसभा यानी कि 1952 में शार्दुलगढ़ नाम की एक सीट हुआ करती थी जहां से कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी विधायक बने। इसके बाद यह सीट खत्म कर दी गई। रामचंद्र चौधरी बाद में भी दूसरी, तीसरी और छठी विधानसभा में विधायक रहे थे, लेकिन वे क्रमशः 2 बार हनुमानगढ़ और फिर अंत में संगरिया से विधायक बने थे। BHU से लॉ ग्रेजुएट चौधरी आजादी से पहले जिला एवं सत्र न्यायाधीश हुआ करते थे। 1948 में वे बीकानेर स्टेट कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 52 में विधानसभा पहुंचे, 56 में मंत्री बनाए गए और अलग अलग सदनों में मंत्री भी रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं शादुल शहर निर्वाचन क्षेत्र की। यह निर्वाचन क्षेत्र गंगानगर हनुमानगढ़ SC की जो लोकसभा सीट है उसके अंतर्गत आता है। BJP के निहाल चंद मेघवाल यहाँ लंबे समय से सांसद हैं और विधानसभा सीट पर जाट जाति के मतदाताओं की संख्या अधिक है, परंतु यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का खासा प्रभाव है और कम्युनिस्ट पार्टी, यह कहना गलत नहीं होगा कि चुनावी परिणामों में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इस बार मूल OBC जांगिड़ समाज के प्रत्याशी जो रहे हैं जगदीश चंद्र, उनको मौका मिला है। जनवरी 2023 तक निर्वाचन क्षेत्र में कुल 2,34,314 पंजीकृत मतदाता हैं और पिछले 5 वर्षों में मतदाताओं की संख्या में 17,534 वोट जुड़े हैं। निर्वाचन बूथों की संख्या यहाँ पे 235 हैं और एक बूथ पर 997 औसत मतदाता हैं। ये संख्या फिलहाल बढ़ रही है जो विधानसभा चुनाव 2023 की आचार संहिता लागू होने तक जारी रहेगी। और अब हम बात करते हैं पिछले 3 विधानसभा चुनावों का। अगर पिछले 3 सब चुनावों का विश्लेषण करें तो यहाँ के लोगों में उम्मीदवार के प्रति जागरूकता गजब की है। पार्टी विधानसभा चुनाव में यहाँ खास करके पहला ऑप्शन नहीं है, लोगों के लिए पहला ऑप्शन उम्मीदवार है। हर बार मुकाबला कई कोणों में फंसता है। 2018 में भी कड़ी टक्कर हुई। कांग्रेस द्वारा मैदान में उतारे गए जगदीश चंद्र जांगिड़ 2018 में जीते। उन्होंने BJP के गुरवीर सिंह बराड़ को 9,667 वोटों से हराया। इन दोनों के अलावा कम्युनिस्ट पार्टी, बसपा, आम आदमी आदि भी बड़ी पार्टियां मैदान में थी, लेकिन लगभग सभी की जमानत जब्त हुई। निर्दलीय उम्मीदवार ओम बिश्नोई ने जरूर 36,772 वोट के साथ चुनाव में तीसरा स्थान हासिल किया। उन्होंने 19% से अधिक वोट पाए। कुल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसमें मार्क्सवादी हैं CPM के पालाराम और कम्युनिस्ट पार्टी CPI के अवतार सिंह ने 4th और 5वां स्थान हासिल किया है। और 18 में शादुल शहर निर्वाचन क्षेत्र में कुल करीब 1,85,000 मतदाता थे और मतदान प्रतिशत 85% से अधिक रहा है। और यह मतदान प्रतिशत दिखाता है कि क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य को आधार देने में मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी है। इस सीट पर एक और चीज चौंकाती है कि सरकारी मतदाताओं को यहाँ वोट डालने ही नहीं आते।
सीट पर एक और चीज चौंकाती है कि सरकारी मतदाताओं को यहाँ वोट डालने ही नहीं आते। सरकारी मतदाताओं से आशय उन सरकारी कर्मचारियों से है जो पोस्टल वोट डालते हैं। यहाँ कुल पड़े पोस्टल वोट में से 12.5% पोस्टल वोट खारिज हो गए हैं। ये एक बड़ा नंबर है जिस पे चुनाव आयोग और खास करके सरकारी तंत्र को बड़ा विचार करने की आवश्यकता है। और इससे पहले यानी 2018 से पिछले चुनाव 2013 की बात करें तो इस सीट पे अब तक का ऐतिहासिक रिकॉर्ड मतदान 2013 में हुआ, यानी कि 86.94%, करीब 87% वोट पड़े थे। टक्कर इतनी कड़ी थी कि जीत का अंतर सिर्फ 4,500 वोट का रहा, यानी कि 2.67%। बीजेपी के प्रत्याशी गुरजंट सिंह को सिर्फ 28.57% वोट मिले, लेकिन 3-4 कोण का मुकाबला होने के कारण वे जीत गए। उपविजेता कांग्रेस के जगदीश चंदर, जो कि 18वें विधायक बने, उनको 25.66% वोट मिले। और एक चीज और देखने में आ रही है कि पूर्व विधायक का यहाँ टिकट लगातार कट रहा है। 2018 के 72 वर्षीय विधायक संतोष सहारण का टिकट कांग्रेस ने काटकर जगदीश चंद्र को दिया तो उन्होंने 13 में कड़ी टक्कर तो दी लेकिन जीत नहीं पाए। उन्होंने अपने से काफी बड़े 74 साल के गुरजंट सिंह से शिकस्त खाई। हालांकि अगले चुनाव 2018 में गुरजंट का टिकट कटा तो लोगों ने 56 साल के जगदीश चंद्र को अपना विधायक चुन लिया। तो हम बात कर रहे थे कि 2013 में नई नई बनी जमींदारा पार्टी और निर्दलीय ब्रिजमोहन सारण करीब करीब 17% वोट ले गए। मार्जिनल वोट से अधिक तो 81 साल की उम्र में खड़े हुए कम्युनिस्ट पार्टी के, जो कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके हेतराम बेनीवाल ले गए। उनको करीब 7.35% मतदाताओं ने अपना समर्थन दिया। इससे पहले पहली बार जब यह सीट 2008 में अस्तित्व में आई तो चुनाव गजब टक्कर वाला रहा। तब भी यहाँ करीब 80% वोट पड़े थे। कांग्रेस के संतोष सहारण यहाँ से जीते थे और संगरिया से उस समय विधायक रहे गुरजंत सिंह इस नई सीट से बीजेपी के उम्मीदवार थे, लेकिन 2875 वोटों से हार गए। यह टक्कर भी बहुत गजब की थी। संतोष सहारण पहली बार विधानसभा पहुंचे और गुरजंट सिंह हारे। जीत हार का अंतर 2% से भी कम यानी 1.8% ही रहा। शेष 7 उम्मीदवार कॉमरेड हेतराम बेनीवाल, महेश कुमार बुडानिया, शमशेर सिंह जैसे अन्य प्रत्याशी मार्जिन वोट से अधिक वोट ले गए, यानी कि चुनाव उन्होंने प्रभावित किया। तो कहने का मतलब है कि शार्दुल शहर एक जो पहले नंबर की सीट है वहां मतदाताओं की सोच, मतदाताओं का अंदाज, मतदाताओं का वोटिंग ट्रेंड अलग तरीके के परिणाम देता है। वो विधायक रिपीट करने में विश्वास नहीं करते, उनका कोई काम नहीं करता, तो वो तीसरे चौथे ऑप्शन वालों को भी प्रभावी झोली भर भर के वोट देते हैं। और यही भरी हुई झोलियां बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए बड़ी समस्या की वजह बनती हैं। तो आज्ञा दीजिए, हम शीघ्र ही एक नई विधानसभा के विश्लेषण के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपसे अपील है कि राजस्थान की तमाम 200 विधानसभा सीटों पर अलग तरह की नज़र और नज़रिए से जुड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए आप थिंक 360 को सब्सक्राइब जरूर करें।